नूतन परिच्छेद लेखक कालिंदी चरण पाणिग्राही। गोटे देश में जड़े राजा थे। प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिता प्रधान शौक। से जे भल शासन अथवा भलरे प्रजापालन करता कहीं न बर कहती राजा आज भल पोशाक पिंधि नूतन परिच्छेद राजा एक प्रकार पागल हो पड़े। थे घोषणा कले जे कारीगर ताई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी पारिब ताकु से एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देवे। ए संवाद शुण दुई जन सत अर्थ लोग राजा सम्मुखे जा उपस्थित हो महाराज आम्भे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपण निमंते प्रस्तुत करदेव। भली पोशाक आज पर्यंत कही देखि नथिबे से हेब एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण होउचि जे जेउ लोक बुद्धिहीन एवं निज आसन अयोग्य ताहार चक्षु खुशी वस्त्र आदौ देखा जीव नाही। राजा भाविले यहाँ निश्चय एक अद्भुत परिच्छेद। से कारीगर दुई जन को पचार एपरी एक परिच्छेद तैयारी करिवारे केते अर्थ खर्च सठ दुहे जो परिमाण रेशम सूता स्वर्ण जरी और मोती माणिक्यर हिसाब देले ताहा सुनी राजा अधिक आनंदित। से भाविले एभली मूल्यवान पोशाक तो मु भंडारे ना तहु। से कारीगर दुहीं को कहले आज ठार 15 दिन मध्यरे पोशाक संपूर्ण करी आम्भ को देव।
मूल्यवान पोशाक पिंधि आम्बे एथर आम्भ जन्मदिन पालन करि सठ दुई जन तंत पाखरे बसि वस्त्र बयनर छलना राजभंडाररु जेते रेशम सूता स्वर्ण जरी मणिमाणिक्य इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखे दिन राति तंत पाखरे बसि मिछरे बयन करिबा भली अभिनय कले दिनकु दिन से दुहिंकु राजभंडाररु अधिकरु अधिक परिमाणर स्वर्ण जरी ओ मणिमुक्ता इत्यादि मिलिला। एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पई राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला किंतु तांकर मने पड़िला जे कारीगरी दुहे कहिछन्ति नितांत बोका एवं अयोग्य व्यक्तिंकु एही पोशाक देखा जीवो ना तेणु से प्रथमे तांको प्रधानमंत्रीको पठा सेते बेळकु एही अद्भुत वस्त्र विषयरे राज्य सारा प्रचार होइगला प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालनकु अपेक्षा करि रहिथांती प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुही वस्त्र बयनरे व्यस्त अथच तंतटी शून्य सेथिरे कोनोसी वस्त्र नाही से भाबिली मुँ त काही सूता खिवटी मध्य केउठी देखिबाकु पाऊ नाही तेबे कोण मु बुद्धिहीन ओ प्रधानमंत्री पद पई अयोग्य मंत्री चिंतामग्न होई पड़िबार देखि जणे सठ कहिला प्रधानमंत्री महोदय ए वस्त्रटी आपणंक पसंद को किपरि आसुछि तापरे से शून्य तंतरे आंगुली देखाई कहिला एठारे ए रंगटी किपरि मानुछि सेठारे जे स्वर्ण जरी दिया जाइछि एवं ता पाखरे जो मुक्ता ओ माणिक्यर कणिका गुड़िक खंजा जाइछि ता आपणंक मनकु पाउछि त प्रधानमंत्री बड़ चिंता रे पड़ी गले से जदि कहिबे जे किछि देखि पारु नांति तेबे से जणे बोका ओ निज आसन पई अयोग्य बोली प्रमाणित हेबे राजा हुए त एहा जानि तांकु प्रधानमंत्री पदरु तड़ी दे तेणु से मध्य छलना करी कहिले निश्चय निश्चय एहा एक चमत्कार पोशाक रायंक देहकु एहा खूब मानि एहा परे से राजांक निकटकु फेरी आसी सेही कथा कहिले राजा इथर तांक प्रधान विचारपतिंकु पठाइले तांकर मध्य सेही अवस्था हेला से तंतरे कोनोसी वस्त्र न देखि विचारली कौन मु प्रधान विचारपति भावरे केते केते मामलार विचार करी तार समाधान करिछि न्याय विचार पई समस्तंक द्वारा प्रशंसित होइछि मु तेबे कौन बुद्धिहीन ओ प्रधान विचारपति पद पई अयोग्य काहि मु त कोनोसी वस्त्र देखि पारु नाही से तांकर दुर्बलता लुचाइबा पई राजांक पाखरे आसी जणाइले महाराज एई कारीगर दुहे असाधारण आश्चर्यजनक पोशाक प्रस्तुत करिछन्ति एथर राया स्वयं तांकर केतेक विश्वस्त कर्मचारीक सहित जाई तंत निकटरे उपस्थित हेले सेमानंक सहित प्रधानमंत्री ओ प्रधान विचारपति मध्य गले से दुहे से अद्भुत वस्त्रटिकु देखि पारुथिबा भळी छलना करि कहिले देखन्तु महाराज एही नूतन परिच्छदटी केड़े सुंदर होइछि स्वर्णजरी ओ मणिमुक्ता यथास्थानरे खंजा जाइ केड़े मनोहर दिशुछि सेमाने भावुथान्ति जे बोध हुए केवल तांकरि व्यतीत अन्यमाने समस्ते
সেই বস্ত্রটিকে দেখি পারুথিলে। রাজা কিন্তু মনে মনে ভাবুথান্তি সমস্তে সেই বস্ত্রটিকে দেখি পারুথবা স্থলে সে নিজে কাহিঁকি দেখি পারুনাহান্তি। সেতেবে কোন রাজপদ পাই অযোগ্য? প্রজামানে একথা জানিলে কোন ভাবিবে? সে মধ্য নিজের লজ্জাকু ঘোড়াইবা পাই মিছরে কহিলে, সাবাস সাবাস, অতি চমৎকার বস্ত্র হইছি। রাজাঙ্ক সাঙ্গরে যাইথিবা অন্যান্য কর্মচারী মানে মধ্য কোনসি বস্ত্র দেখি পারুনথিলে। সেমানে কালে বোকা ও অযোগ্য প্রমাণিত হেবে, সেথিপাই অন্যমানঙ্ক ভলি মিছরে কহিলে, বাহ চমৎকার হইছি। রাজাঙ্কর জন্মোৎসবর পূর্বদিন ষঠ দুই জন সুবর্ণ থালিরে নূতন পরিচ্ছদটিকু রখিথিবার অভিনয় করি শূন্য থালিকু নেই রাজাঙ্কু উপহার দে। এহাপরে রাজাঙ্ক ঠারু পুরস্কার ঘেনি চালিগলে। জন্মদিন সকালু রাজাঙ্কর ভৃত্য তাহাঙ্কু নূতন পরিচ্ছদটি পিন্ধাই দেবাকু আসিলে। সে দেখিলা থালিটি শূন্য, তা ভিতরে প্রকৃতরে কোনসি পোশাক নাই। সে কহিলা, মহারাজ, মু পছকে বোকা ও অযোগ্য বলি প্রমাণিত হইব, কিন্তু আপনাকে খুশি করিবা পাই কেবে হেলে মিথ্যা কহি পারিবি না। প্রকৃতরে এ থালিরে কোনসি বস্ত্র নাহি। মোর মনে হয়ে এ দুই জন মিথ্যাবাদী ও ঠক অটন্তি, আমাকে ঠকি বহু অর্থ নেই পলাইছেন। রাজা এই কথা শুনি নিজের ভ্রম বুঝি পারিলে এবং মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হলে। সেই দিন তাঙ্কর সৌখিন পোশাক প্রতি মমতা ছাড়িগলা। সে এণিকি রাজকর্মরে মনোনিবেশ কলে। ষঠ দুই জন সমগ্র রাজ্যর লোকঙ্কু বোকা ও অযোগ্য প্রমাণিত করি প্রচুর অর্থ নেই চালিযিবা পূর্বরু ধরা পড়ি কঠিন শাস্তি ভোগ কলে।